बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक है, खैरियत से हैं। वेलकम टू ज़ीन 27 राव चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल ज़ीन 27 राव को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली हर अपडेट्स आप लोगों को वक्तन बवक्तन मिल सके। दोस्तों, जो इस वक्त तक की फुल फ्रेश अपडेट्स हैं कुवैत के हवाले से, वो मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हूँ और वो अपडेट्स आप लोगों को देंगे। लेकिन उससे पहले जो आप लोगों को नंबर कोरोना वायरस बता देते हैं कुवैत के, जैसे हर रोज केसेस की तादाद कुवैत के अंदर हाई हो रही है। आज भी कुवैत के अंदर 485 नए मामले आए हैं और 485 नए मामलों की वजह से अब आप लोग देख सकते हैं कुवैत के अंदर 6567 पर्संस को हो गया कोरोना वायरस। इसके अंदर 2381 जो है रिकवरीज हैं और 2 मजीद डेथ हुई है। 44 पर्संस की जो है डेथ हो गई है कुवैत के अंदर। आप लोग देख सकते हैं जो लेवल है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा और दिन ब दिन जो केसेस की तादाद है वो बहुत ज्यादा हाई पोजीशन पे जा रही है। फुल पीक पे पहुंचा हुआ है कोरोना वायरस इस वक्त कुवैत के अंदर और इस वजह से जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है जो कुवैत के, उन्होंने कुवैत सुप्रीम कमेटी के साथ मुशावरत करके एक अहम नुक्ता उठाया। और जैसे आप लोग जानते हैं कि कुवैत के अंदर जो कर्फ्यू है वो सख्त किस्म से हुआ हुआ है और उसकी टाइमिंग 4:00 से लेकर 8:00 तक है। तो इस बात को लेकर वो बहुत फिक्रमंद है कि इतना सख्त कर्फ्यू करने के बावजूद जो केसेस की तादाद है वो दिन ब दिन हाई होती जा रही है। तो इस बात को नजर रखते हुए कुवैत की जो सुप्रीम कमेटी है उन्होंने ये ऐलान किया कि हम लोग हो सकता है कि जो कर्फ्यू है उसको जो है 24 घंटों के लिए कर दें। जो केसेस की तादाद है वो थमने का नाम नहीं ले रही है, कर्फ्यू को पूरे 24 घंटे करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी की बात है और अगर कुवैत के अंदर 24 घंटों का कर्फ्यू होता है तो मामलाते जिंदगी क्या होंगे। तो ये बहुत बड़ी फिक्र की बात है जो कर्फ्यू के हवाले से कुवैत हुकूमत है वो पूरे 24 घंटे का करने को सोच रही है। और दूसरी अपडेट, वो लोग जो कुर्बानियों के जरिए जिन्होंने जो है अपनी जो है रजिस्ट्रेशन करवाई थी वो वक्तन बवक्तन जा रही है और आज टर्मिनल 4 के जरिए जो है कुवैत के अंदर से 735 जो पैसेंजर्स हैं वो अपने अपने मुल्कों के अंदर जाएंगे फ्री टिकट के साथ, जिन्होंने कुर्बानियों के जरिए करवाई थी रजिस्ट्रेशन। तो ये एक फरवानिया के हवाले से खबर और एक जो कर्फ्यू के हवाले से अपडेट थी इस वक्त तक की जो ताज़ा तरीन। और इंशाल्लाह जो आगे भी जो न्यू अपडेट्स होंगी वैसे इंशाल्लाह आप लोगों को देंगे। बस यही कहेंगे आप लोगों से कि अपनी हिफाजत करें, बी सेफ इन योर हाउसेस, बी सेफ इन योर रूम्स। अब तक के लिए रऊफ अज़ल अज़ीम को दीजिए इजाज़त, दुआओं की दरख्वास्त आप लोगों से बहुत ज़्यादा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।